और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ से आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य जो हैं वो ईडी की कस्टडी में, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद अब आज देखिए बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, उनकी तरफ से पीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी प्रदर्शन की, जहां पर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी शराब घोटाला मामले को लेकर आमने सामने दो तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए आज प्रदर्शन का दिन है, एक तरफ आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल जो कि फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, उनके इस्तीफे की मांग के लिए ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से जारी है। न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी प्रियंका इस खबर पर जुड़ रही है हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्या तस्वीरें आप दिखाने जा रही है प्रदर्शन को लेकर? मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरा बैरिकेड पे ये दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है जो पहुंच गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप बैरिकेड पे खड़े फिलहाल नजर आ रहे हैं। और आज ये जो पूरा प्रोटेस्ट है सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर है, पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। आप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सबसे पहले बैरिकेड पे खड़े हुए यहाँ पर देख रहे हैं। साफ तौर पर मन से उन्होंने ये कहा था कि ये आहूति है, ये अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के लिए हो रहे यज्ञ के लिए आहूति है कि आज सारे बैरिकेड को पार करना है। दो बैरिकेड यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं, एक बैरिकेड को तोड़कर ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। आपको बैरिकेड पे अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, पीछे तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाटर कैनन तैयार नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर पुलिस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि धारा 144 लगी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। बावजूद उसके आप यहाँ पर देखिए आरएएफ की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है, उसके बाद बैरिकेड्स लगे हैं, उसके बाद फिर जो सुरक्षा कर्मी है उनकी यहाँ पर तैनाती नजर आ रही है। लगातार नारेबाजी तेज बैरिकेड के पास चल रही है, जहाँ पर बैरिकेड के ऊपर प्रदर्शनकारी चल रहे हैं, जो नीचे है वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार पुलिस की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट हो रही है कि यहाँ प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। हमें जो गाड़ियां हैं वाटर कैनन है उनको स्टार्ट कर दिया गया है, और ये हो सकता है कि अगर ये प्रदर्शनकारी जो यहाँ से नहीं उतरे तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए। हालांकि हाल फिलहाल के प्रोटेस्ट में हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड की दोनों तरफ पुलिस कर्मियों के लिए मुसीबतें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स से जो है एक के बाद एक लगातार बैरिकेड पर चढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष इसकी और इस पर नेतृत्व करते हुए खड़े हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि बीजेपी का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देते। आईटीओ के पास ये जो बैरिकेड है ये लगा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट मुड़ते ही सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय का रास्ता आता है, जहाँ पर दिल्ली का जो दिल्ली सचिवालय जहाँ पर है उसका पूरा रास्ता आता है, वहां तक ये पैदल मार्च का आज अनाउंस किया गया है। लगातार आप देखें देखे पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती है, पीछे पीछे यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिसकर्मी, आगे आप नहीं बढ़ने दे रहे, और लोगों को जो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पर कहा सुनी होती हुई फिलहाल नजर आ रही है पुलिसकर्मियों के बीच। यहाँ देखें महिला पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं को हटाने की कोशिश कर रही है डंडे की मदद से पीछे की तरफ, और यहाँ पर भी कहा सुनी होती हुई नजर आ रही है महिला पुलिसकर्मियों और महिला प्रोटेस्टर्स के खिलाफ आप पीछे से करने की कोशिश की जा रही है। लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, केवल पीछे करने के लिए कहा जा रहा है। लगातार साथ में अनाउंसमेंट होती जा रही है कि यहाँ पर धारा 146 लगी है, माने यहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पांच लोगों से ज्यादा खड़े होने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ दिल्ली बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, पुलिस एक तरफ खड़ी है जहाँ पर लोगों को और बैरिकेडों को रोकने के लिए तैयार नजर आ रही है कि और लोग बैरिकेड पर ना चढ़े, पर आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक तमाम लोग जहाँ बैरिकेड की तरफ चढ़ रहे हैं। यह आईटीओ की तरफ जाने वाली दिल्ली गेट से आईटीओ की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क है, जिसके ट्रैफिक को सुबह से बंद किया हुआ है, और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अध्यक्ष है वो दूसरी तरफ चलकर आ गए हैं, बैरिकेड से बैरिकेड वो दूसरी तरफ चलकर आ गए हैं, और साफ तौर पर अपने जो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं उनको वो कह रहे हैं कि बैरिकेड से पीछे नहीं हटना है। यहाँ आप देखिए पुलिस और जो
साउंड के बीच लगातार बहस चल रही है, जहां पर हल्का पुश करके पीछे की तरफ करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। सख्ती बरतती हुई पुलिस फिलहाल नजर नहीं आ रही है, वो केवल बता रही है कि यहां पर अलाउड नहीं है, पीछे की तरफ वो लोग आए, बैरिकेड पे वो ना चढ़े। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी का प्रोटेस्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की को मांगने के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं यहाँ भारी संख्या में नजर आ रही है, आप जो प्रदर्शनकारी है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी महिलाओं को यहाँ से साइड करने की कोशिश कर रही है, और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा लगातार हम जिस तरीके से बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले पानी को हल्का शुरू किया गया, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया गया। ड्रोन की मदद से पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए है, और यहाँ आप देखेंगे अभी भी बैरिकेड पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं आप देख रहे हैं नारेबाजी आ कर रहे हैं, हम महिलाओं की आत्मसम्मान के लिए है, कहा गया था बस फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक भी प्रॉमिस। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, देखिए दिल्ली गेट से लाइव तस्वीर, जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और मांग है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन जारी है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिन पर काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं वाटर कैनन लगातार यहाँ पर चल रहा है, जहां से कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, लगातार वाटर कैनन चल रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ से अब नहीं हट रहे हैं। अब वो जितना वाटर कैनन की मदद से भिगा सकते थे वो भीग चुके हैं, और अब यहाँ से प्रोटेस्टर्स जाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तस्वीरें वाटर कैनन चलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड पे जो लोग मौजूद है वो अभी तक यही मौजूद नजर आ रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वाटर कैनन चल रहे हैं, बावजूद उसके जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर खड़े हैं, आज लगातार अभी भी देखिए वाटर कैनन चलना बंद नहीं हुआ है, जो लोग खड़े हुए हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं, यहीं पर वो बैरिकेड के सामने खड़े होकर वाटर कैनन का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। पीछे की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो लोग जो है वो फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं, और लगातार वाटर कैनन चल रहा है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, अब जाकर वाटर कैनन यहाँ पर बंद हुआ है, लेकिन तमाम प्रोटेस्टर्स यहीं पर जमे हुए हैं। अपने कैमरा पर्सन अजय को कहूंगी कि वो तस्वीरें आपको दिखाए, थोड़ा आगे की तरफ आए, और यहाँ पर हम आपको फिर आगे की तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष अभी भी नीचे नहीं उतरे हैं, अभी भी आप देखें वो किसी दो चार लोगों ने उठाया हुआ है और वो यहाँ से नीचे उतरे नहीं है, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वाटर कैनन के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की गई। यहाँ थोड़ी यहाँ हम आपको देखें, यहाँ पर जाहिर तौर पर क्योंकि कैमरे पर भी पानी पड़ा है तो थोड़ा विजुअल आपको शायद थोड़े ब्लरी दिख रहे हो, लेकिन यहाँ ये अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बैरिकेड के बाद भी लगातार जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीग चुके हैं पानी से, लेकिन बावजूद उसके ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट अब और ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि इससे पहले इससे कम संख्या में लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं वो और ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, आगे की तरफ खड़े हैं, पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि पानी का इस्तेमाल करके देख लिया है, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, और प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ गए हैं बैरिकेड के ऊपर, अभी भी लोगों की जो मौजूदगी है वो देखने को मिल रही है, खड़े होकर भी यहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस अब हल्की पड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो पीछे जाएं, यहाँ पर धारा 144 लगी है, और यहाँ वाटर कैनन जो है कुछ समय तक लगातार चलाया गया ताकि लोग तितर बितर हो जाए, पर आप देखेंगे लोग भीगे हुए जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ से हटे नहीं है, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, देखे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आगे, इनके आसपास यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, और यहाँ फिर से एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, आप फिर से बैरिकेड की तरफ जाने की कोशिश करते हुए यहाँ आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो ऊपर अभी भी खड़े हैं, और यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट थमते नहीं है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है, और यहाँ से आगे अध्यक्ष
अध्यक्ष की तस्वीर है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ उठाने की सबसे पहले कोशिश की जा रही है, जो बैरिकेड पे आज सबसे पहले चले आपके सब उनके साथ यहाँ जमीन पर बैठ गए हैं। यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जो है वो जमीन पर बैठ गए हैं और लगातार यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस अब इशारा कर रही है यहाँ से हटाने के लिए, अपने साथियों की और संख्या को बढ़ा रही है क्योंकि इस प्रोटेस्ट साइट को खाली करना जरूरी है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली गेट से आईटीओ जाने का ये एकमात्र रास्ता है, बहुत ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, लेकिन फिलहाल पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। आने जाने की दोनों सड़कें जो है वो ब्लॉक की गई है और लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैठकर अब जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी के वो बैठकर यहाँ पर बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से उठ नहीं रहे हैं, जबकि पुलिस लगातार बोल रही है धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते। और एक बार फिर मुझे लग रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि फिर से पानी चल रहा है, फिर से पानी की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, पानी दोबारा से शुरू हो रहा है। वाटर कैनन जो है दूसरी बार अब लोगों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर जो लोग हैं वो आराम से अपनी जगह ही बैठ गए हैं। पर ये दूसरी बार वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग अब नहीं हिल रहे, दूसरी बार वाटर कैनन लगातार चल रहा है। तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं, हम लोग हैं, इन सभी के ऊपर ये लगातार जो पानी है वो बरसाया जा रहा है, पर यहाँ से प्रोटेस्टर्स हिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बार ये जो वाटर कैनन चल रहा है, ये माना जा रहा है कि जब तक तमाम लोग नहीं उठ जाएंगे तब तक ये इसी तरीके से बरकरार रहेंगे। तस्वीरें आप लोगों को नजर आ रही है, लगातार हम पर प्रोटेस्ट का पानी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इसलिए हमारी मौजूदगी जरूरी है यहाँ पर। जब तक प्रदर्शनकारी मौजूद है तब तक ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जैसे कि मैं लगातार बोल रही हूँ कि कैमरे पर पानी पड़ रहा है, हो सकता है आपको तस्वीरें बहुत साफ नजर नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए लोग तीतर बीतर नहीं हो रहे, बल्कि वो अब इस पानी में खड़े हो चुके हैं। पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं, और एक तस्वीर अब आपको दिखाएं उस तरफ के जहाँ पर पानी बरस रहा है। लगातार वाटर कैनन जो है वो दो बार चलाया गया है, उसके बावजूद जो जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर तैनात है। और यहाँ फिर आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि लगातार सारे प्रदर्शनकारी जो है वो भीग चुके हैं वाटर कैनन के पानी से, लेकिन एक कदम पीछे होते हैं, जैसे ही वाटर कैनन बंद होता है फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर से ये जो लोगों का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के समर्थकों का हुजूम है, फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस अभी तक डिटेन करना शुरू नहीं किया है, जब कोशिश की जा रही थी तो वहीं पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष थे वो बैठ गए थे, और ये फिर तस्वीर आप देख रहे नारेबाजी होते हुए, और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता के पास खड़े हुए दिख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता जो है वो थोड़ा पीछे है। वाटर कैनन का पानी यहाँ तक पहुंचा हुआ है, जहाँ तक सड़कें आपको गीली नजर आ रही है वहाँ पूरा वाटर कैनन का पानी पहुंचा हुआ है। एक महीने से दो दो बार वाटर कैनन चलाकर कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद उसके तमाम लोग जो है वहीं पर मौजूद है। अब आरएएफ की एंट्री हो रही है, आरएएफ के तमाम जवान जो है देखिए आप पीछे की तरफ भीड़ को किया जा रहा है डिटेन करने का, जो लीडर था उनको काम शुरू किया जा रहा है, और इस वजह से अब जो भीड़ है वो बैरिकेड से थोड़ा पीछे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो लोगों को यहाँ से पकड़ कर डिटेन कर ले जाती हुई यहाँ से लोगों को हटने के लिए लगातार बोल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ लीडर्स को, जो बीजेपी के लीडर्स है उन्हें डिटेन करते हुए पुलिस जो है वो नजर आ रही है। लगातार डिटेनिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो बीजेपी लीडर है उनको डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस, और ये प्रोटेस्ट जो है अब खत्म होता हुआ सा दिख रहा है क्योंकि तमाम जो